हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द टेक यू वे चैनल। तो Realme GT Neo 3T पे हमको एक और अपडेट मिल गया है, और अपडेट का जो साइज है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो अपडेट का साइज है 5GB। भाई साहब 5GB का अपडेट आया है, और आपको सीधे ये दिखाता हूँ अपने फ़ोन स्क्रीन पर ही। तो हम चलते सीधे फ़ोन स्क्रीन पर और देखते हैं 5GB के अपडेट के अंदर एक्चुअल में है कैसा। तो गाइज, Realme GT Neo 3T में मैंने आपको बता ही दिया है कि एक अपडेट आया है 5GB का, जो कि बहुत बड़ा है। तो सीधे हम इसके अबाउट डिवाइस पे आते हैं, Realme UI पे आते हैं। तो जो अपडेट का वर्जन है आप देख पा रहे होंगे सामने, RMX 3377_11_C.08। पहले जो अपडेट आया था वो C.07 था, अब जो अपडेट आया वो C.08 है, लेकिन इस अपडेट का साइज़ है 5GB का अपडेट है। यदि अबाउट दिस वर्जन पर आऊँ तो यहाँ पे सबसे पहले तो इन्होंने एक ऐप को ऑप्टिमाइज़ किया है, वो है WhatsApp, और इस पर लिखा हुआ है ऑप्टिमाइजेस द प्रॉब्लम दैट व्हाट्सएप कॉल्स कैन नॉट बी कनेक्टेड। तो वाली जो प्रॉब्लम यदि आपको व्हाट्सएप में हो रही थी इस डिवाइस के अंदर, तो इस अपडेट के बाद वो फिक्स हो जाएगी। उसके बाद सिस्टम में जाएंगे तो वही ऑप्टिमाइज़ किया है सिस्टम की स्टेबिलिटी को, और यूज़र एक्सपीरियंस को इन्हांस किया है, और पावर कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज़ किया है अच्छी बैटरी लाइफ मिलने के लिए। इसके अलावा और कोई चीज़ यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, बट इसका अपडेट का जो साइज़ है 5GB है, वो बहुत बड़ा है। तो मैं इसको रिज्यूम करता हूँ अपडेट को। काफ़ी टाइम लगेगा उसको डाउनलोड होने पे, वाईफाई कनेक्शन पे भी, क्योंकि जो अपडेट का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हमको वेट ही करना पड़ेगा गाइस। क्योंकि अपडेट का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, 100 Mbps का कनेक्शन है, और मैं देखूँगा डाउनलोडिंग स्पीड थोड़ी स्लो है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ इसको हटा के, मैं जियो का जो 5G है वो ट्राई करता हूँ, क्योंकि जियो की 5G की स्पीड बहुत फास्ट है अभी डाउनलोडिंग की। तो देखते हैं कि जियो 5G की स्पीड से 5GB जो डेटा है थोड़ा बहुत अभी डाउनलोड हुआ है, बाकी रिमेनिंग कितने फास्ट डाउनलोड होता है। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, काफ़ी फास्ट है एज़ कम्पेयर टू जो मेरा वाईफाई था। जियो 5G पे काफ़ी जल्दी ये डाउनलोड हो रहा है। यदि आप ऊपर स्पीड भी देख पा रहे होंगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पीड आ रही है, 21%, 22.8, 24.5, 26%, 27.5, 29.30, तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट डाउनलोड हो रहा है जियो के ट्रू 5G पे। तो जिन लोगों को ट्रू 5G का टेस्ट भी देखना था Realme GT Neo 3T पे, वो आपके सामने है। तो 5G बहुत अच्छा चलता है, जियो का तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, आप देखो सामने 5GB का अपडेट है लेकिन लग नहीं रहा। 56%, 58.5, 60.2, 62.,, 63, 65, ऐसा लग रहा है कोई 68 MB, 70 MB का अपडेट है, बट 5GB का अपडेट भी इतनी जल्दी डाउनलोड कर रहा है हमारा जो जियो का ट्रू 5G है फ़ोन के अंदर। 85 हो चुका है, 86। तो गाइज़ अप्रॉक्सीमेटली पूरा ही जो अपडेट है वो डाउनलोड हो चुका है, हमको मुश्किल से 1-1.5 मिनट लगा इसको डाउनलोड करने में जियो के ट्रू 5G पे। वाईफाई स्लो हो गया मेरा यार ट्रू 5G जियो का बहुत ज़्यादा फास्ट है। 99.9% पे थोड़ा वेट कर रहा है ये, तो एक्सट्रैक्शन में भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि 5GB का बहुत बड़ा अपडेट है। और ये भी अपडेट आपको मिल चुका है C.08, यदि आपने कर भी लिया है तो आप मेरे को बताओ अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में, कि फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा आपको भी लग रहा है C.0 अपडेट के बाद, ठीक है। और अच्छा लग रहा है तो बताना, बेकार लग रहा है कुछ आपको लग रहा है बैटरी लाइफ ज़्यादा ड्रेन हो रही है तो वो बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और ये डिवाइस Realme GT Neo 3T Flipkart की सेल पे काफ़ी लोगों को सस्ता मिल गया था, आपको भी मिल गया तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं मिला तो भी बताना कमेंट सेक्शन में। और आपके कोई भी डाउट्स होना तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो छोटा सा जो मैंने वीडियो बनाया अपडेट के रिगार्डिंग अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनको भी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे, ठीक है। और कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो ना, तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके। तो गाइस, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, बाय बाय।